हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप सब ठीक होंगे, घर में होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं आकांक्षा, मैं आपके अपने चैनल माँ बेटी ब्लॉग्स में आपका वेलकम करती हूँ। फ्रेंड्स, देखिए मैंने एक वीडियो डाला था कि मेरे हस्बैंड को फ्रेंड्स कोरोना हो गया है, बहुत टेंशन की बात है। उस पर मेरे को आप लोगों ने बहुत अच्छा प्यार दिया है। वीडियो पर फ्रेंड्स आपने मुझे बहुत अच्छे अच्छे कमेंट दिए हैं और मुझे उस आपके कमेंट पढ़कर थोड़ी सी राहत मिली है कि आप लोगों ने कितना अच्छा अच्छा बोला है कि नहीं आप टेंशन मत लो, आपके हस्बैंड ठीक हो जाएंगे, आप उनकी केयर कीजिए, जल्दी ठीक हो जाएंगे। आप लोगों ने मुझे बहुत प्यारे प्यारे कमेंट किए, तो आपके कमेंट पढ़कर मेरा मन बहुत ज़्यादा हल्का हुआ। मुझे मेरे मन पर ऐसा लगा कि कोई बोझ उतर गया। देखिए, हम कोई भी प्रॉब्लम किसी के साथ में शेयर करती हैं तो वो कोई ना कोई सॉल्यूशन हमें देते ही हैं, तो वही सॉल्यूशन आप लोगों ने मुझे भी दिया है। ये जो प्रिकॉशन थे वो अपनाए थे, वो सब मैं आपके साथ में शेयर करूँगी। मैंने आपको बताया था तो मैं वही आपके साथ में आज शेयर कर रही हूँ। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले होता है कि जब भी हमें सर्दी जुकाम कुछ भी हो जाता है तो हमें स्टीम ज़रूर लेनी चाहिए। स्टीम लेना एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन होता है, उससे हमारा जो अंदर का कफ होता है वो धीरे 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 पिघलने लगता है, जिससे वो बाहर निकल जाता है। देखिए, दो ही रास्तों से बाहर निकलता है। तो हमें वॉमिटिंग होती है, उसके ज़रिए हमारा कफ बाहर निकल जाता है। अगर किसी का कफ वॉमिटिंग के ज़रिए नहीं निकलता है तो उसे या फिर पॉटी के द्वारा उसका कफ बाहर निकल जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, स्टीम हमें कैसे लेना है आज मैं आपको बताऊंगी। मेरे पास एक स्टीमर है, बहुत ही छोटा सा है और बहुत ही अच्छा है, उससे बहुत ज़्यादा अच्छे से स्टीम हम ले सकते हैं। ये वाला स्टीमर है मेरे पास, ये देखिए कितना अच्छा है। इसको हम ऊपर से ऐसे ओपन कर लेते हैं, इसको हमने ऊपर से ओपन कर लिया है। ये इसमें पानी भर दिया है, पानी आप अपने हिसाब से देखिए, इस पर लिखा हुआ है मिनिमम, मीडियम, मैक्सिमम, इस हिसाब से आप इसमें पानी भर सकते हैं। हम मीडियम ही पानी इसमें लेते हैं और इसको मैंने लगा दिया है। देखिए फ्रेंड, जब भी आप स्टीम ले रहे हैं और आपको कोरोना है तो आप इसमें अजवाइन और तुलसी के पत्ते मिला के लीजिए, आपको बहुत जल्दी जल्दी राहत मिलने लगेगी। अगर आप अजवाइन और तुलसी के पत्ते नहीं मिला रहे हैं तो देखिए मेरे पास एक कैप्सूल है, ये सारे हमने यूज़ कर लिए हैं। ऐसा कैप्सूल होता है, ये कई नामों से आता है। हमारे पास जो है वो है रेस्पीडेक कैप्सूल है हमारे पास, ये वाला, ये कई नामों से आता है, आप ले सकते हैं। ये मेडिकल स्टोर से हम ये कैप्सूल ला सकते हैं और इस कैप्सूल, एक कैप्सूल को हमें लेना है और हमें इसमें पानी में मिला लेना है। उसके बाद में हमें क्या करना है कि इसको, इसका जो स्विच है, देखिए इसका स्विच ऑन करके इसमें से स्टीम निकलती है। बहुत ही आराम से हम इससे स्टीम ले सकते हैं, हमें कोई भी परेशानी नहीं होती है। देखिए, हम गैस पर या भगोने से जो स्टीम लेते हैं उसको हमें कपड़ा लगाकर उस तरीके से लेनी पड़ती है, पर इसकी जो स्टीम निकलती है ये देखिए, ये सिर्फ सीधे हमारे फेस पर आती है और हमारी नाक और मुँह को हम आराम से इसमें स्टीम कर सकते हैं। अच्छा स्टीमर है, हमें इससे बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा मिला और हम लोग क्या, मैं भी इसी से ही स्टीम ले लेती हूँ कभी कभी। ये देखिए, और फिर इस बात का ध्यान रखना है, अगर कोई कोरोना पेशेंट है वो इससे स्टीम ले रहा है तो जितने दिन वो क्वारंटाइन है तो वो ही इससे स्टीम ले, कोई दूसरा जैसे पर्सन इससे स्टीम ना ले। और अगर कोई स्टीम ले रहा है तो हमें बॉयलर रूम में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि जब हम स्टीम लेते हैं तो हम अपनी सांसों को छोड़ते हैं, तो उससे क्या होता है, जो कोरोना का कीटाणु होता है वो सब जगह फैलता है। तो हमें उस रूम में नहीं जाना है जिस रूम में स्टीम ले रहा है कोई, इस बात का आप ज़रूर से ध्यान रखिए, ना बच्चों को भेजिए ना आप खुद जाइए। देखिए, ये तो हो गया स्टीमर और मैंने आपको इस कैप्सूल के बारे में भी बता दिया है, ये भी आप यूज कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपके चेस्ट में दर्द हो रहा है और आप चेस्ट में दर्द हो रहा है तो क्या होता है, विक्स लगा लेते हैं, आप विक्स लगा सकते हैं, विक्स से भी बहुत अच्छा आराम पड़ जाता है। उसके बाद मेरे पास ये वाटर हॉट बैग है, ये देखिए ये वाटर हॉट बैग है, ये भी इलेक्ट्रिकल ही है, ये देखिए इसमें ये है, इससे हम इसको लगा सकते हैं। ये सिर्फ 2-3 मिनट में ही चार्ज हो जाता है और इस ये फुल जो अपना बैग है वो गर्म हो जाता है, तो इसको हम अपने चेस्ट पर रखकर सिकाई कर सकते हैं, ये भी बहुत अच्छा ऑप्शन है, इससे आप आराम से सिकाई कर पाएंगे। मेरे हस्बैंड के भी जब दर्द हुआ था चेस्ट में तो उन्होंने इसी से सिकाई की थी। बस एक बात का ध्यान रखना है फ्रेंड्स, जब भी हम इससे सिकाई कर रहे हैं
तो हमें बिक्स का यूज़ नहीं करना है। हमारे चेस्ट पर बिक्स लगी हुई नहीं होनी चाहिए। एक बिक्स को जब हम पहले इससे हम सिकाई कर लें अच्छे से, उसके थोड़ी देर बाद हम बिक्स लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं, पर बिक्स लगाने के बाद इससे सिकाई नहीं करना है। इस बात का आप जरूर यूज करके हम फ़ायदा पा सकते हैं। तो ये देखिए मेरे पास ये ऑक्सीमीटर भी है। कोरोना अभी चल रहा है तो ऑक्सीमीटर तो घर में होना बहुत ज़रूरी है, जिससे हम बार बार अपना ऑक्सीजन लेवल नाप सकते हैं। देखिए कोरोना पेशेंट का ऑक्सीजन लेवल नापना बहुत ज़रूरी होता है। देखिए मेरे पास इस टाइप का ऑक्सीमीटर है, ये देखिए इससे आप आराम से ऑक्सीजन लेवल अपना नाप सकते हैं। मैं हर एक आइटम की पिक लगा दूंगी, आप लोग देख लीजिएगा। ये देखिए ये वाला मेरे पास ऑक्सीमीटर है। ऑक्सीमीटर से भी अपना लेवल समय समय पर नापते रहिए, ये भी बहुत अच्छा होता है। इससे हमें घर में ही पता चल जाता है कि हमारा ऑक्सीजन लेवल अभी कितना चल रहा है, कितना घटा है, कितना बढ़ा है, इस तरीके से हम पता लगा सकते हैं। कोरोना टाइम में एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है। अनुलोम विलोम, कपालभाति, ये सब करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। करना तो देखिए वैसे भी हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, तो इस टाइम में आप अनुलोम विलोम, कपालभाति ज़रूर कीजिए। ये आपको बहुत ही अच्छा फ़ायदा देगा। हमारे यहाँ न्यूज़पेपर में आया था कि एक लेडीज़ का 90% फेफड़ा ख़राब हो गया था और उसके बचने की बिल्कुल चांसेस नहीं थे, लेकिन फिर भी उसने हिम्मत रखी और उस वो हॉस्पिटल में भी अनुलोम विलोम, कपालभाति, ये सब प्राणायाम करती रही, जिससे वो ठीक होकर घर वापस आई। हमारे न्यूज़पेपर में आया था। जब मैंने पढ़ा तो हम लोग भी शॉक्ड हो गए थे कि 90% फेफड़े ख़राब होने के बाद भी कोई ठीक हो सकता है, तो हम कैसे अपना आत्मविश्वास खो सकते हैं। हमें कभी भी अपना आत्मविश्वास नहीं खोना चाहिए। अगर हमें कोरोना हो गया है तो हमें बिल्कुल डरना नहीं चाहिए, टेंशन नहीं लेनी चाहिए, हम ठीक हो जाएंगे। आत्मविश्वास अच्छा है तो हमारी इम्यूनिटी पावर भी अच्छी बनी रहती है। फ्रेंड्स, मैंने आज के वीडियो में आपके साथ में अपने इलेक्ट्रिकल आइटम शेयर किए हैं, जिनसे हमें बहुत अच्छा रिलीफ मिला है। तो अगर आप सभी को पसंद आए हो तो एक लाइक कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को दबाना ना भूलें, जिससे मेरे वीडियो की आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिल सके। फ्रेंड्स, वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे सभी को ये वाली जानकारी मिल सके जो मैंने आज आपको दी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय। अपना प्यार और सपोर्ट हमेशा बनाए रखना।